नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार जहां एक ओर पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं पर सिकंजा कस रही है, इसके बावजूद इंदौर में सीनियर सिटीजन आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर के जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर रिटायर्ड आर्मी अधिकारी अपनी ही जमीन के लिए पूरा परिवार दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। वही पूरा मामला इंदौर के चितावत का है, जहाँ रिटायर्ड आर्मी के जमीन पर क्षेत्र के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार को जब इसकी सूचना मिली तो भूमाफियाओं द्वारा पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा DIG रुचिवर्धन मिश्र को की गई है। वही पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए DIG ने जांच के आदेश दिए हैं। हम अब DIG ऑफिस में आए हुए हैं। कल हम अपनी ज़मीन, जो कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, 1962 में मेरे डैडी ने खरीदी थी। मेरे डैडी आर्मी में थे तो हम लोग गुजरात में थे। गुजरात से हम जब अभी इधर आए हैं, वैसे तो हम जाते रहते थे, हमारी ज़मीन पे ध्यान रखते रहते थे। कई बारी हम जाते थे, सब देखते थे कि व्यवस्थित है कि नहीं, तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे डैडी ने अभी क्या करा है कि मेरे भाई को अब उनके हिस्से का जो भी था प्रॉपर्टी वो दे दिया, और मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी जो था उन्होंने बोला कि बेटा ये आप पास में रहती हो तो ये ज़मीन आप ले लो। तो मैं जब वहाँ पे गई, मुझे निर्माण कार्य के लिए मेरे पास पैसे अरेंज करके जब मैं वहाँ पे निर्माण कार्य के लिए गई, जो कि मैंने बाउंड्री फेंसिंग की हुई थी उसको मैंने अपने हाथों से हटाया और वहाँ पे अपना एक बोर्ड लगाया जिसमें मालिकाना अधिकार का हमारा बोर्ड था। हम लगा के और वापस आए हैं तो वहाँ से किसी ने हमें फ़ोन किया कि मुशर्रफ खान, जो कि ग्रीन ग्रोव पब्लिक स्कूल वहाँ का है, भूमाफिया है, उसने वहाँ की सारी सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।